हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से 1 और 2 जुलाई को जो ग्रुप सी के 12 ग्रुपों की परीक्षा होनी थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। क्या कारण रहा पोस्टपोन होने का और परीक्षाएं अब कब होंगी, नई तारीख कब आएगी, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री मौजूद हैं। बात करते हैं सर, पोस्टपोन की गई हैं परीक्षाएँ, क्या कारण रहा पोस्टपोन करने का? दो कारण मुख्य हैं पोस्टपोन करने के। एक तो ये है कि जब हमने शॉर्ट लिस्ट किए बच्चे उन 12 ग्रुपों में, तो हमारे पास बहुत से बच्चों के मैसेज आए और वो मिलने भी आए कि हमारे पास मैसेज नहीं आया शॉर्ट लिस्टेड का, क्या यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर सच दिस पोस्ट। तो जब हमने देखा कि बहुत बड़ी मात्रा में तो ऐसे बच्चे नहीं होने चाहिए, तो जब उसका दस्तावेज जाँच की गई तो ऐसे बड़े 300 लोग करीब थे जिन्होंने अपनी पोस्ट का नाम ही नहीं भरा था, उन्होंने अपलोड कर दिया और उसमें डिप्लोमा लिख दिया पोस्ट की जगह, जैसे उसने डिप्लोमा इन VLDA लिखना था, डिप्लोमा इन MPHW लिखना था, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिशियन लिखना था, तो वो नहीं लिखा, ट्रेड का नाम नहीं लिखा, सिर्फ डिप्लोमा लिख दिया। तो जब हमने अपने कंप्यूटर को कमांड देनी थी तो हमने तो इलेक्ट्रिशियन छांटना था, हमने VLDA छांटना था, हमने स्टाफ नर्स को शॉर्टलिस्टेड करना था, तो वहाँ तो उसने पोस्ट ही मेंशन नहीं की थी। तो एक कारण तो ये था, दूसरा ये था कि हम जब शॉर्टलिस्टेड कर रहे हैं तो हमारे ऊपर ये आरोप आता कि इन्होंने सार्वजनिक तो किया ही नहीं अभी रिजल्ट, जो CET का रिजल्ट है। तो अभी हम इन्हें निर्णय लिया है कि आज और कल में ही हम जो CET का रिजल्ट है वो पब्लिक डोमेन में डाल देंगे कि बच्चों को एक दूसरे के नंबर भी पता हों, वरना ये इशू बाद में आता है कि इसने तो सोशो इकोनॉमिक के नंबर फेक ले लिए, इसने यहाँ पे झूठ बोला, तो ये सारी समस्याएं पहले ही बच्चों की तरफ से ही हल हो जाएं और हम अपने सिस्टम में हल कर लें, तो इसलिए पोस्टपोन किया करना पड़ा। अब परीक्षाएं कब होंगी, क्योंकि अगर इस तरह से पोस्टपोन होती हैं तारीखें तो कहने की बच्चों में निराशा हो जाती है, बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं। नहीं देखिए, इसमें बच्चों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, तो हम तो मान रहे हैं कि कुछ गलतियां हमारे लेवल पे हुई हैं और बहुत बड़ी गलतियां कैंडिडेट के लेवल पे हुए हैं, वही कैंडिडेट फिर कोर्ट तक जाते और हमारी सारी उसको चैलेंज करते, तो हमने सब चीज़ें पहले ही दुरुस्त कर लेनी चाहिए, इसलिए निराशा होने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों को। और हम जल्दी ही लगभग 16-17 जुलाई के बाद ये जो है रीशेड्यूल डालने वाले हैं और जुलाई माह में ही हम अपनी परीक्षाएं शुरू करने वाले हैं, तो बच्चे निराश ना होकर अपनी एजुकेशन पे, अपनी स्टडी पे ध्यान दें। जो ग्रुप डी की परीक्षाएं होनी है उनमें तो कोई बदलाव नहीं किया गया फिलहाल, उनके लिए तैयारी पूरी है? ग्रुप डी के लिए हमारी लास्ट डेट फार्म भरने की 26 तारीख थी जून, तो हमने कैंडिडेट की मांग पर उसको 10 दिन और बढ़ा दिया है, 6 जुलाई हमने वो डेट कर दी है, और हमने NTA को लिखा है कि सितंबर माह में ग्रुप डी की परीक्षाएं ले, तो NTA ने अभी हमारे को डेट बतानी है कि वो किस डेट को ग्रुप डी की परीक्षाएं ले रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।